तो लो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बी वन इन्फॉर्मेशन में। तो मैं किसान भाई हूँ। आज हम बात करते हैं कि जो धान की नर्सरी रहती हैं वो किस विधि से तैयार करते हैं हम खेत में रोपाई के लिए। तो बहुत से किसान भाइयों के लिए जो धान की जो नर्सरी हैं वो फेल होती जा रही हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे किसान भाइयों कि जो धान की नर्सरी हैं वो स्टिक विधि से कैसे तैयार करते हैं, धान की नर्सरी हमारे फेल नहीं होगी। तो ये देखिए, हमने एक पतीली में पानी लिया और इस पर हमने चावल धान जो बासमती किस्म का है वो इस पानी के अंदर कल रात से भिगो के रख दिया। तो धान की नर्सरी के लिए काफ़ी किसान भाई पहले बीज उपचार नहीं करते और वो धान की नर्सरी में फेल होते जा रहे हैं और सही तरीके से नर्सरी नहीं ले पाते। तो हमने 12 घंटे हो गए धान की नर्सरी के कुछ बीजों को पानी में भिगोया कल रात से, ये देखिए। और जो बीज बेकार के हैं वो ऊपर आ गए और जो बीज ग्रो करने वाले हैं, बढ़िया शुद्ध बीज हैं दोस्तों, तो वो पानी के अंदर बैठ के देख सकते हैं आप। देखिए, तो हम जो ऊपर के बीज हैं खोखले, जो उग नहीं सकते, जिनका कोई मतलब नहीं, तो इनको निथार लेते हैं पानी से। तो नहीं निथारे तो ऊपर से ले लेके ऐसे फेंक सकते हैं आप। ये देखिए, ऐसे आप फेंक सकते हैं। और अब ये नीचे के जो बीज रह गए तो इनको थोड़ा ले लेते हैं और पानी को अच्छी तरह से पानी निथार लेते हैं। ये देखिए, पानी को अच्छी तरह से निथार लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों, हमने पानी को अच्छी तरह से निथार लिया है और पानी को अच्छी तरह से निधारने के बाद हम इसमें थोड़ा गौमूत्र डालते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी पुराना गौमूत्र है, करीबन 3 साल के पुराना गौमूत्र है, तो ये हमें कम डालना है नहीं तो बीज खराब न हो जाए। ये पुराना गौमूत्र है तो इसमें थोड़ा गौमूत्र डालते हैं, काफ़ी पुराना है तो इसमें हमने थोड़ा गौमूत्र डाल दिया है, देख सकते हैं आप। हमने गौमूत्र डाल दिया और अभी इसको अच्छी तरह से हिला देते हैं, अच्छी तरह से हिला देते हैं। हमने हिला दिया दोस्तों, देखिए। और अब हम कैसे नर्सरी तैयार करते हैं और कैसे हमारी हमारी जो नर्सरी हैं कैसे पास होती हैं, फेल नहीं होगी नर्सरी, क्योंकि हमने बीज उपचार कर लिया दोस्तों। और जो खोखले बीज थे जो ग्रो नहीं करने वाले हैं उन बीजों को हमने फेंक दिया, तो अब तो ये नर्सरी धान के जो बासमती चावल की किस्म के बीज हैं ये तो शुद्ध बीज हैं, तो हमारी जो नर्सरी हैं वो फेल नहीं होगी, आराम से भी आसानी से उग जाएगी। तो हम बात करते हैं इसको ग्रो करने की, उगाने की, नर्सरी की। तो हमने जो नर्सरी तैयार करनी है हमारे बगीचे में, खेत में, कहीं भी जहाँ पर धूप थोड़ा कम हो तो वहाँ पर नर्सरी तैयार कर सकते हैं धान की। तो हमने थोड़ी नर्सरी तैयार की, ये आप देख सकते हैं। तो हमने पहले इस नर्सरी में थोड़ी जली हुई राख, लकड़ी की जली हुई राख चूल्हे से ली और प्लस इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट मिलाया और थोड़ी सी जगह में इस मिश्रण खाद को अच्छी तरह से बिखेर दिया। आप देख सकते हो, अच्छी तरह से इसमें बिखेर दिया, मिश्रण खाद मिला दिया जली हुई राख का और वर्मी कंपोस्ट का। तो और अब हम इसमें अच्छी तरह से धान के बीजों को छिटकते हैं, पास पास में छिटकते हैं, तो कैसे ग्रो करते हैं आप देखना। तो हमने इस खाद को अच्छी तरह से इस क्यारी में मिला दिया है, तो अब इसे धान के बीजों को इसमें छिटकते हैं अच्छी तरह से, ये देखिए आप। और हमको इस खाद को और अच्छी तरह से समतल कर देखते हैं, देखिए आप। अच्छी तरह से हमने समतल कर दिया है और अब मिलाते हैं, छिटकते हैं धान के बीज। ये देखिए, हम धान के बीज छिटक रहे हैं।
काफ़ी अच्छी तरह से हमने छिड़क दिया है धान के बीजों को, वो देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छी तरीके से छिड़क दिया है। और अब धान की नर्सरी आसानी से तैयार हो जाएगी, तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।